के सारे लोग हिल्सफिस के बारे में ही बात करते रहते हैं। एक दिन एक आदमी राजा के पास आया। राजा से हिल्सफिस के बारे में बात करने लगा। राजा ने कहा मुझसे कोई ऐसा कोई है जो मुझसे हिल्सफिस के बारे में बात ना करे? फिर गोपाल आके कहा, मैं हूँ जो हिल्सफिस के बारे में बात नहीं करूँगा। फिर राजा ने उसे शर्त लगाई कि अगर तुम बात मुझसे हिल्सफिस के बारे में बात नहीं कर पाओगे तो फिर मैं तुम्हें उपहार दूंगा। फिर गोपाल अपने घर चला गया। घर में अपने आधी दाढ़ी काट के रख ली और कपड़े फटे फूटे कपड़े पहन लिए। फिर उसकी पत्नी कह रही थी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने आधी दाढ़ी काट क्यों रखे और ये फटे कपड़े क्यों पहन रखे हो? तो गोपाल बोलता है, मैं जा रहा हूँ आप हिल्सफिस लेने। फिर उसकी पत्नी कहती है, तुम पागल तो नहीं होगे? फिर वो बोलता है, गोपाल मैं हिल्सफिस लेने जा रहा हूँ। फिर वो चला गया बाजार में, हाथ में हिल्सफिस ले रखा होता है। फिर जब आ रहा होता है, सारे लोग उसे हिल्सफिस के बारे में बात नहीं करते हैं बल्कि उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसा इंसान है, पागल हो गया, दाढ़ी काट क्यों रखी है, कपड़े फटे फूटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फिर ऐसे ही करके गोपाल राजा के दरबार पर चले जाते हैं। वहाँ पर सिपाही होते हैं। वो फिर सिपाही से कहते हैं, तुम्हें राजा से मिलना है। वो सिपाही उसे मना कर देते हैं। फिर भी वो कहता है, तुम्हें राजा से मिलना है। तो फिर वो मना कर डांट देते हैं उसको। फिर ऐसे चीखता रहता है। तभी राजा उसकी बात सुन लेते हैं। फिर राजा उसे अंदर बुला लेते हैं। फिर वो राजा उसे कहते हैं, तुम कौन हो, ऐसे अलग क्यों बना रखे हो? तो फिर वो बोलते गोपाल बोलता है कि मैं गोपाल हूँ जो आपने एक बार मुझसे शर्त लगाई थी। फिर वो सुन के दरबार के अंदर जितने भी लोग थे सारे हंस के कहने लगे कि ये तुमने दाढ़ी आदि क्यों काट रखी है और फटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो फिर राजा से कहा गोपाल ने कि आपको याद है आपने वो मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम मेरा हिल्सफिस के बारे में बात नहीं करोगे, ऐसी बात करोगे। तो फिर राजा को वो बात याद आ गई। फिर उसने उसे बोला कि तुम मेरे दरबार में रहने के लायक हो। फिर उसे उपहार दे देते हैं।